नमस्कार, इंडियन 24 समय लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हम प्रतीक्षा वर्मा रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। एक साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। भले ही आने वाले दिनों में उसके सामने पश्चिम बंगाल समेत अन्य 5 राज्यों में परचम लहराने की चुनौती हो, बावजूद इसके पार्टी ने यूपी पर अभी से फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। अपने कार्यक्रम से 4 घंटे की देरी से जेपी नड्डा ने आते ही सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी नब्ज टटोलने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कुछ मंत्रियों से उनके विभाग के बारे की उपलब्धियों के बारे में भी पूछा। इसके अलावा कई राज्य मंत्रियों से भी बात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 45 मिनट तक चली बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबकी बातों को बेहद गौर से सुना। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के विभागों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। दरअसल 2-3 महीने बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले पार्टी हाईकमान चाहता है कि गाँव का पूरा फोकस किया जाए, साथ ही मंत्रियों और पदाधिकारियों को गांव में डेरा डालने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे दोहरा लाभ होगा, एक तो पंचायत चुनाव गांव में पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा और दूसरी बात विधानसभा चुनाव के पहले ही गांव में पार्टी की पहुंच और बढ़ जाएगी। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी ने पत्रकारों को बताया कि आज की बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया, जिससे जनता के बीच सरकार की बेहतरीन छवि बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा राज्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और सह प्रभारी भी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी उपस्थित थे। अपने बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिनहट ग्रामीण लखनऊ की मंडल बैठक करेंगे। इसके बाद लखनऊ महानगर एवं जिला के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर प्रदेश कार्यालय में अवध एवं कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद वह लखनऊ में अवध क्षेत्र के भाजपा सांसदों एवं विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। शाम को भाजपा कार्यालय पर वह सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो यह है जेपी नड्डा का आज का कार्यक्रम।